लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी सब्जी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ले लिया कटहल। ये हमारे यहाँ इस तरीके से कटा हुआ मिलता है, काटने में इसका बहुत झंझट लगता है, तो ये कटा हुआ मिलता है। तो ये मैं 250 ग्राम लाई हूँ, पर इसके पीस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं छोटे छोटे कट करूँगी इसको। तो ये इस तरीके से मैंने पीस ले लिया है, तो इसको अब मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसों में, यानी इसके भी हाफ करूँगी, क्योंकि मेरे घर में सबको छोटे छोटे पीस पसंद है, कटहल के ज़्यादा बड़े नहीं पसंद है। और आपको कैसी लगती है ये सब्जी मुझे ज़रूर बताना। और ये सब्जी इस तरीके से बताऊंगी कि आप नॉनवेज खाना भूल जाओगे, इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी लगेगी कि नॉनवेज भी इसके आगे फीका लगेगा आपको। तो इसी तरीके से मैं सभी के छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो ये ले ली मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल, ऑयल हो गया प्री हीट। तब इसके अंदर हम एक एक करके ये कटहल को डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे कटहल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने वही कढ़ाई ले ली है, पर इसके अंदर से ऑयल थोड़ा कम कर दिया है। तब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज, यानी दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है, या आप चॉप भी कर सकते हैं, यानी मैंने चॉप किया हुआ है। अब इनको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे, यानी कि हल्का हमें गोल्डन ब्राउन करना है इनको। तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो गई है। तब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची के पीसेस। तो ये मैंने इस तरीके से लंबे में कट किए हुए हैं, पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये जल जाएंगे तो इनका टेस्ट नहीं आएगा। प्याज भुनते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा फ्राई हो जाते हैं, तो फिर इनका टेस्ट नहीं आता। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने एक चम्मच लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरीके से इसी के अंदर पका लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से यानी पक चुकी हैं। तब इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। तो ये मैंने टमाटर को भी ग्रेट कर लिया था, तो ये मैंने 3 टमाटर लिए। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से इनको भी हम पका लेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब इसके अंदर करेंगे हम मसाले ऐड। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक ये मैंने 1 चम्मच डाला है, ये सेंधा नमक है इसलिए आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें नमक कम होता है, यानी कि नमकीन कम होता है ये, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला, यानी 1/4 चम्मच। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर किचन किंग मसाला 1 चम्मच। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको वापस से पका लेंगे। तो सभी मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटहल जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे कि सभी मसाले इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो ये मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे जो ये कटहल थोड़ी टाइट टाइट है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाए इसके अंदर। ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपको ग्रेवी वाली अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, यानी कि तरी वाली, सॉरी। तो ये बस मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, यानी 1/2 कप मैंने पानी डाला है। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी और इसको ढक के 5 मिनट के लिए मैं पका लूंगी। तो अब इसका ढक्कन हम हटा देंगे, तो आप देख सकते हैं कि कटहल हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है, ये देखिए सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब मैं इसको करूंगी गर्मा गर्म सर्व। तो कटहल की सब्जी को मैंने सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर देंगे कि ये देखने में और भी ज़्यादा प्यारी लगे। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये सब्जी आपके नॉनवेज को फेल कर देगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।